और आज जो मेरे साथ हैं शेफ दीपक जो कि एज ए कौमी शेफ काम कर रहे हैं, आज पूरी डिटेल इनके बारे में जानेंगे, एक कौमी की लाइफ कैसे होती है और कैसे जॉब लेना होता है अब्रॉड में और इंडिया में, और इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए वो सारी डिटेल आज आपको मालूम चल जाएगी। फ्रेंड्स एक बार फिर आप रेडी हैं होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर भी शेफ राणा, जो कि आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जहां जहां जिस जिस कंट्री में मैंने काम किया था, जैसे दुबई में, बहरीन में, दोहा कतार में, और अभी प्रेजेंट में सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ सऊदी अरब का। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और आज जो मेरे वेलकम शेफ दीपक होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर विद शेफ राणा, जो कि आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं अपने सब्सक्राइबर के साथ में। तो आप कहां से हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, कहां से हैं और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? थैंक यू सेफ, आपने अपना ज्ञान चैनल पर मेरा इंटरव्यू लिया। मैं हूँ उत्तराखंड इंडिया और मेरे को 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आपने होटल लाइन क्यों ज्वाइन किया? मैंने होटल लाइन इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे खाना बनाने का इंटरेस्ट था और कुछ खाना देखना था, खाना बनाना था, खाने का इंटरेस्ट था, इस चक्कर में मैंने होटल लाइन ज्वाइन की। अच्छा, मतलब खाना खाने का भी आपको बहुत सारा शौक था? खाना खाने का, खाना बनाने का, नई नई डिशेज बनाने की शौक था, इस कारण मैंने ज्वाइन किया होटल लाइन, इसलिए आपने दिया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपका कोई फैमिली मेंबर पहले से होटल लाइन में हो, ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसे हैं, मेरे चाचा लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं। अच्छा, फैमिली मेंबर भी है मेरे। वो कहाँ काम कर रहे हैं अभी सारे लोग? इंडिया में काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई कोर्स आपने किया या ऐसे ही होटल लाइन ज्वाइन किया? नहीं सर, मैंने तो कोई अभी तक कोई कोर्स ना कोई डिप्लोमा कोई एचएम वगैरह कुछ नहीं किया, बट मेरे को स्टार्टिंग में मैंने ट्रेनिंग की गुजरात से, बाडोली रेड चिल्ली से होटल था, उसमें से ट्रेनिंग की मैंने 1 ईयर समथिंग वर्क किया उधर। उसके बाद मेरा इधर ही फिर रेस्टोरेंट उगरा, कैफे उगरा, ऐसे ही काम करते रहा, आगे बढ़ते रहा, हेल्पर को थर्ड कॉमी सेकंड कॉमी, फिर उसके लिए मैंने फिर उसके लिए बाहर के लिए अप्लाई किया। इस चक्कर में मैंने फिर बाहर का अप्लाई हुआ मेरा। अभी मेरे को सऊदी में 2 साल हो चुके हैं, बट अभी सऊदी में कर रहा हूँ मैं बॉक्स सिनेमा। ओके, तो आपने फ्रेंड देखा कि इन्होंने कोई डिग्री और डिप्लोमा का कोई भी कोर्स नहीं किया है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं वो ये पूछते हैं कि सिर्फ डिग्री करें या डिप्लोमा करें, और मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि डिग्री डिप्लोमा होटल में रेस्टोरेंट में आने के बाद रखे रह जाते हैं यहाँ पे, और सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपके काम आता है। तो फ्रेंड, तो सिर्फ दीपक आपने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की तो क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस की वहां पे, क्या क्या आपको कठिनाइयां हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया है तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स तो आपको मालूम ही नहीं होंगे होटल लाइन में ज्वाइन करने से पहले। सेफ फर्स्ट में तो दिक्कतें होती है, अभी वैसे भी मैंने ना डिप्लोमा किया था ना कुछ किया था, बट मेरे को इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज होती है, जो कोई भी चीज पे इंटरेस्ट हो तो आदमी आगे बढ़ सकता है। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे करके सीखा, बट मेरे को स्टार्टिंग में कोई भी चीजों का नाम ना मालूम पड़ता था, ना वेजिटेबल से लेके ना कोई भी इंक्रीमेंट का नाम पता नहीं रहता था, तो उस वजह से दिक्कतें आती थी। तब इस बार धीरे धीरे सीख गया था, बट अब सही है। तो इसका कहना ये है मेरे फ्रेंड्स के, अगर आप हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर चीज आपको आ जाएगी, चाहे आपने कुछ बैकग्राउंड कुछ भी हो आपका, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज है, अगर आप करते रहोगे तो उसका फल 100% आपको एक दिन जरूर मिलेगा, और 100% मिल ही जाएगा, ये मेरा श्योर मानना है। तो शेफ दीपक, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे व्यूअर का कमेंट्स होता है कि फ्रेशर को जॉब कैसे मिलेगा, तो आपने अपना फर्स्ट जॉब कैसे लिया और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की फर्स्ट जॉब के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने डिग्री किया है, मैंने डिप्लोमा किया और जॉब नहीं मिला, लेकिन आपने कुछ नहीं किया था और फिर भी जॉब लिया आपने अपना फर्स्ट जॉब, तो वो कैसे लिया आप बताएं मेरे व्यूवर्स को। सर मेरा फर्स्ट जॉब मेरा कोई फ्रेंड था, उसके रेफरेंस से मिला था, बट फ्रेंड का रेफरेंस दिया था फ्रेंड ने, उस कारण मेरे को जॉब मिली थी फर्स्ट स्टार्टिंग में। हेल्पर से मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे,
और मेरे को 5-6 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी इंडिया की, और मैंने बाड़ोली में रेड चिल्ली में जॉब स्टार्ट किया था और अकोमोडेशन वगैरह सब 6 हज़ार में था। उसके बाद फिर मैं आगे को 1 साल करपनवा किया, फिर उसके बाद आगे दूसरी जगह थर्ड कॉपी में अप्लाई किया, फिर 1.5-2 साल थर्ड कॉपी में किया, फिर उसके बाद सेकेंड कॉपी में अप्लाई किया था, फिर उसके बाद अभी फर्स्ट कॉपी का कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, तो कब किसी के रेफरेंस से या ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे, कैसे नहीं कैसे जॉब मिल जाती है। अगर आपने मन में कोई गोल बना लिया तो 100% आपको जॉब मिली जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। तो आपने सऊदी में जो जॉब लिया तो वो कैसे लिया और उसमें आपका क्या प्रॉब्लम थी, इंग्लिश में कुछ दिक्कत हुई आपको बोलने में जब इंटरव्यू आपका हुआ, तो सऊदी का फर्स्ट जॉब आपने कैसे लिया? सर मैंने तो सऊदी के लिए कंसिडर एंट्री थी, उसके लिए मैंने उसमें अप्लाई किया था, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए थे और इतने साल का एक्सपीरियंस का लगाया था 5 इयर्स का। और उसके बाद मेरे को स्काइप इंटरव्यू हुआ था, स्काइप इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया था, तो इस कारण मेरे को सऊदी में जॉब मिल गई थी। इससे पहले भी मैंने इंडिया में काफी जगह जॉब की है। आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ जब भी इंटरव्यू हो रहा था? यस सर, इंग्लिश में प्रॉब्लम हुई थोड़ी बहुत, लेकिन अभी आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो गया होगा। सऊदी में आके जब हम लोग ब्रीफिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले होंगे आपको अपने अंदर इंग्लिश के और भी दूसरी चीजों के बारे में। यस सर। शेफ दीपक, आप सऊदी में कितने साल से काम कर रहे हो और आपका सैलरी कितना है यहाँ पे? सर मेरे को यहाँ पे अभी 2 साल हो गए हैं, वर्क सिनेमा में 2 साल हो गए हैं। मेरी सैलरी यहाँ 2500 सैलरी है, बट इंडिया में कैलकुलेटर करके इंडिया में करीब 48,000 हो जाती है, इस कारण मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा, एक कौमी की सैलरी सऊदी अरब में या दुबई में काम कर लो या बहरीन में काम कर लो, मिनिमम 2500-2300 मिली जाती है। अगर हम लोग इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 45,000 से 48,000 हो जाती है। और उसके बाद में आपको कुछ टिप्स वगैरह भी मिलता है क्या यहाँ पे? यस सर, टिप्स वगैरह मिलते हैं मेरे को, 500 टिप्स मिलते हैं मंथली और ओवर टाइम वगैरह। अच्छा, सारी चीजें फैसिलिटी मिलते हैं? सारी फैसिलिटी वगैरह, ड्यूटी टाइमिंग। तो ड्यूटी टाइमिंग कितना है आपका यहाँ पे? यहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग है सर 8 आवर्स, 1 आवर ब्रेक। अच्छा, 9 घंटे का ड्यूटी आपका, उसमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता है आपको? ब्रेक मिलता है सर, और ओवर टाइम भी मिलता है, और आपको इसमें टिप्स भी मिलता है 300 से 500 के लगभग, यानी कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग ये करीब 6 से 7 हज़ार आप लोग इसमें कराते हैं। तो एक कौमी शेफ यहाँ पे अराउंड 45,000 से 50,000 आराम से कमा सकता है इंडिया में, जो कि उसको 10,000 से 12,000 से ज्यादा सैलरी मिलता नहीं है, ना ही अच्छे से अकोमोडेशन मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको अकोमोडेशन दिया उसमें क्या क्या फैसिलिटी है? इसमें सर हमारी सारी फैसिलिटी है, गाड़ी है, प्लस अकोमोडेशन पूरा है, खाना पीना अपना रहने का हर चीजें अकोमोडेशन में जो चीजें होती है सारी अच्छी मिली है। तो वहाँ पर वाईफाई फ्री है आपको? वाईफाई वगैरह सब कुछ मिला है वहाँ पे, एसी वगैरह फ्री है? यस, एसी वाईफाई हर चीज मिला है। एक रूम में कितने लोग रहते हैं आप यहाँ पे? एक रूम पे 2 बंदे रहते हैं हम, तो यानी कि कौमी लोग भी यहाँ पे एक अकोमोडेशन में 2-in-1 रहते हैं, एक रूम में 2 लोग रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया से कितनी ज्यादा फैसिलिटी आपको यहाँ पे आने के बाद मिलेगी। सैलरी तो मिल ही रही है, ये तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी सैलरी से, तो ये समझो 3 गुना सैलरी हो गई। आपको काम सेम करना पड़ रहा है लेकिन सैलरी आपको 3 से 4 गुना बढ़ के मिल रही है, तो क्यों ना, और कोई क्यों नहीं आना चाहेगा सऊदी अरब या दूसरे गल्फ कंट्री में। सिर्फ इसीलिए हम लोग अब्रॉड आने के लिए ढूंढते हैं, और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत मायने रखता है। जैसे आप इंडिया में जाओगे तो आपको एक तो पोजीशन ज्यादा मिलेगी, प्लस आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटियां आपको यहाँ पे मिल जाती है, ये सारी फैसिलिटियां, सारा एक्सपीरियंस यहाँ आपको मिल जाता है। शेफ दीपक, अब मेरे को ये बताइए, आपको इंडिया में भी आपने काम किया, सऊदी में भी आप काम कर रहे हैं, तो दोनों कंट्री में से कौन सा कंट्री आपको ज्यादा अच्छा लगा, कहाँ पे ज्यादा फैसिलिटी वगैरह आपको मिलती है और वो क्या फैसिलिटियां आपको ज्यादा मिलती हैं? सिर्फ सऊदी और इंडिया में, बट इंडिया में हमारा यह है कि सेविंग नहीं हो पाती है इंडिया में, और यहाँ पे सऊदी में हमारी सेविंग भी हो सकती है, अकोमोडेशन वगैरह अच्छा मिलता है इंडिया में उतना, वही सब कुछ,
15-20 हजार में, उसी में अकोमोडेशन में सब कुछ उसी में करना पड़ता है। और साउदी में हमें यहाँ पे अकोमोडेशन उगरा, अपना हेल्थ इंश्योरेंस उगरा, मेडिकल कार्ड और सारी हमारी टिप्स, बोनस और छुट्टियाँ, वीकली हर चीजें, ड्यूटी टाइमिंग, रोड, हर चीज में हमें यहाँ पे बेनिफिट है। तो जब भी आप वेकेशन जाते हैं अपने इंडिया, कितने टाइम बाद जाते हैं और वेकेशन का पैसा मिलता है आपको, नहीं मिलता है? सर वेकेशन हम 8 मंथ 1 ईयर्स में जा सकते हैं, बट वेकेशन का पैसा हमें मिलता है। और बट हमारी जो टिकट भी मिलती है, कंपनी टिकट भी देती है, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कब जाना चाहते हो आप। अच्छा, यहाँ पे फैसिलिटियाँ काम करने पे बेनिफिट है बहुत, मतलब इंडिया से ज्यादा अच्छा है आपको यहाँ पे। आप टिकट आपको कितने टाइम में कंपनी प्रोवाइड कराती है? कंपनी सर वीजा पे होता हो कि 1 ईयर 2 ईयर्स पे, वैसे 1 ईयर्स पे दे देती है कंपनी, अच्छी कंपनी है, 1 ईयर्स पे दे देती है। अच्छा, 1 ईयर पे आपको टिकट भी मिलेगा फ्रेंड्स, और आपको सैलरी भी मिलेगा, इंसेंटिव, बोनस, टिप्स और ओवरटाइम, सारी फैसिलिटी इनको यहाँ पे एज ए कौमी शेफ के रूप में काम करते हुए मिलती है। और एक कौमी शेफ आपने देखा यहाँ पे कितने पैसे कमा सकता है, शर्त यही है कि आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इंडिया की तरह माहौल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मन लगा के काम करना पड़ेगा। इंडिया में क्या होता है, कभी बंक मार दिया आपने तो बंक मार दिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। एक रूल होते हैं यहाँ पे काम करने के, और बाहर भी हम लोग जब भी हम लोग घूमते हैं, बाहर जाते हैं, यहाँ भी ऑफ मिलता है, और जो पब्लिक हॉलीडे वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं, सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। तो यहाँ पे ही सारे लोग आने के लिए इसीलिए प्रेफर करते हैं, सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि अब्रॉड में कब जाऊं और कब जाऊं, और होना भी चाहिए, ये हर किसी का सपना होता है। एक काम करते हुए, सेम काम करते हुए ज्यादा सैलरी हम लोगों को मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या होता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मेरा मानना यही है। तो शेफ दीपक, थैंक यू आपको मेरे चैनल पे आने के लिए, और मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को अपना इंटरव्यू देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कर तभी आपको फायदा, जब भी आप बेल आइकॉन, जो बेल है उसको दबा के रखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मिले कहता हूँ आपको मिल जाएगी।